और उधर का हो जाए। आप खूब संसार का निर्वाह करिए, आपको जो 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 सेवा प्रभु ने दी है सेवा समझ के करिए। संसार कभी बाधा नहीं बनता, संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई व्यक्ति, संसार का कोई विषय भक्त के मार्ग की बाधा नहीं बनता। और शायद मीरा जी के जीवन में जो आगे हुआ इसके माध्यम से प्रभु यही प्रकट करना चाहते थे कि संसार बाधा नहीं है, बाधा का कारण कुछ और है। मीरा जी ने अंजलि फैला दी, मांगने वाला दीन हो और देने वाला उदार हो, फिर दान का कहना ही क्या। वहां संत शिरोमणि रविदास थे और यहां प्रेम की प्यासी मीरा अंजलि फैलाई। श्री रविदास जी ने कंठ से अपनी जपमाला उतारी और अपना एक तारा मीरा की अंजलि में धर दिया। मीरा को स्वीकार कर लिया। मीरा एक तारे पर उंगली चलाने लगी लेकिन चलाना नहीं जानती थी, एक कौतूहल भरी दृष्टि से, प्रश्न सूचक दृष्टि से श्री रविदास जी की ओर देखा। वो समझ गए, हाथ में एक तारा लिया। शायद मीरा चाहती थी कि ये भगवत गुणानुवाद जो मैं करूं वो भी मुझे अपने सदगुरु का प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो। पहले आप अपने एक तारे पर श्याम सुंदर को कुछ गाकर सुनाइए, गाकर उन्हें रिझाइए, फिर इस एक तारे को प्रसादी लेकर मैं उनका गुण गाया करूं। श्री रविदास जी ने गाना आरंभ किया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास स्वामी।
भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। ये भाव भरी पुकार सबके तन मन प्राण झनकृत हो गए, मीरा कृतकृत्य हो गई। कंठ की भारती पूर्व खुल चुकी थी, सदगुरु की कृपा स्वर्ण में सुगंध हो गई, स्वर्ण कुंदन हो गया, सर्वथा निर्मल दोष रहित। यदि गुरु समर्थ हो और शिष्य अधिकारी हो तो जिस घड़ी दीक्षा होती है उस घड़ी एक बार तो सदगुरु अपनी कृपा से, अपने भजन के बल से शिष्य को एकदम खरा सोना कर देता है। यही दीक्षा का रहस्य है कि भजन और सेवा के योग्य कर देना जीव को। अभी तो आजकल क्या है कि माइक में ही मंत्र दे दिया जाता है 2500 2500 लोगों को एक साथ में। इतनी भीड़ कि जिससे शाश्वत संबंध है वो सदगुरु अपने शिष्य को पहचानता भी नहीं। पर यदि जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आप इतना भी नहीं जान पाएंगे कि आपको पाना क्या है, आपको खोजना क्या है, किस ओर जाना है। ये भारतवर्ष की दुर्दशा नहीं है तो क्या है? ये विश्व गुरु कहे जाने वाले देश की दुर्दशा नहीं है तो क्या है कि यहां वो लोग लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, मान्यताओं का आस्वादन करते हैं और भगवान बने पूजे जाते हैं, जो कहते हैं बोले समोसा खाना शुरू कर दो कृपा हो जाएगी, और हम लोग जाने क्या खोजने उन लोगों के पास जाते हैं, जाने हम क्या पाना चाहते हैं। हम लोग तो ये भी नहीं जानते वस्तुतः हमें चाहिए क्या। सत्संग नहीं होगा जीवन में तो ये भी नहीं जान पाओगे क्या चाहिए। मार्ग पर चलना तो दूर की बात, सही मार्ग नहीं पता पड़ेगा, सही ठौर नहीं मिलेगी। अब रविदास जी ने वो प्रसादी तानपुरा एक तारा मीरा जी के सुकोमल कर कमलों पर धर दिया और कहा बेटी अब तुम कुछ सुनाओ। यमन वस्तु अमोलक दी मेरे सत
जयति जगत पावन करन प्रेम बरनी है दोए। संतुष्ट हो गई मीरा, तृप्त हो गई, निहाल हो गई, कृतकृत हो गई। इश्क का एहसास भी इबादत से कम नहीं, इश्क का एहसास भी इबादत से कम नहीं। फिर यूं तो छूकर खुदा को देखा ही किसने है। इस जीवन में संत का और सत्संग का मिल जाना, मिल जाना ही अपने आप में पुण्यों का परिपाक है। मन दो घड़ी इनकी छवि छटा में रम जाए, ये समस्त पुण्यों का पूर्ण हो जाना है। रसखान को म्लेच्छ जानकर, यवन जानकर मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। एक झरोखे से वृंदावन विहारी की छवि सुषमा का आस्वादन रसखान ने किया और गाया। मोतीन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूम घरवारी। अंग ही अंग जड़ाव लसे, शीस लसे पगिया जरता। पूरन पुनते रस खान जी, मोहनी मूरत आए निहारी। चारों दिशान किले छवियान के, झांके झरोखे में बांके बिहारी। बोले मेरे पुण्य आज पूर्ण हो गए, जो इन आंखों ने एक दो घड़ी इन्हें निहार लिया, देख लिया। जहां मैंने आज पूर्व निवेदन में कहा कि जहां आप केवल रूप देखेंगे वहां आकर्षण होगा, आकर्षण चिरस्थाई नहीं है, आकर्षण क्षीण होता है। जहां आप केवल गुण देखेंगे वहां सम्मान होगा, सम्मान स्थाई तो हो सकता है लेकिन सम्मान में बहुत अधिक आस्वादन नहीं है। किसी के आगे झुकने में थोड़ा थोड़ा कृतज्ञता का भाव है, थोड़ा सुख है, लेकिन पूर्ण आस्वादन नहीं है। जो आनंद किसी को सम्मान देने में है, क्या वही आनंद किसी को प्रेम में भरकर अपने हृदय से लगाने में भी है? शायद नहीं। हृदय से लगाने में कहीं अधिक आनंद है। तो जहां केवल रूप है वहां आकर्षण होगा, जहां केवल गुण है वहां सम्मान होगा, और जहां रूप और गुण दोनों हैं वहां प्रेम होगा।
श्री कृष्ण अखिल सौंदर्य रसामृत सिंधु भी हैं और सकल गुण निधान भी हैं।